दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो आप कोशिश करिएगा कि ये एक्सरसाइज बड़ी केयरफुली की जाए। इसमें से वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज के अंदर चार टाइप्स के क्वेश्चन हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमने इक्वेशन को रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। कुछ इक्वेशंस दी होंगी, उनमें हमने कोई वैल्यू पुट करके या किसी मेथड के साथ उसको कन्वर्ट कर लेना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास तीन मेथड हैं जो कि जिससे आप पहले कर चुके हैं सॉल्व कर चुके हैं, वही मेथड लगा कर उनमें से कोई एक अपनी मर्जी का लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे फैक्टराइजेशन से करें, चाहे कंप्लीटिंग स्केल से करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप वन एंड टाइप टू। तो फर्स्ट टाइप आप देखें, उसमें इस तरह की फॉर्म होगी, मतलब आपका कॉन्स्टेंट होगा, वेरिएबल की पावर 4, यानी यहाँ पे देखें पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और इसका डबल यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे डबल, यहाँ पे हाफ एंड यहाँ पे एक्स की पावर ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की जो टाइप होगी उसमें हम ये जो हाफ पावर होती है ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इसको लेट कर देते हैं या पुट कर देते हैं किसके इक्वल, एक्स के इज इक्वल टू वाई के इक्वल, ठीक है। तो हम जब इसको एक्स के इज इक्वल टू वाई को पुट करेंगे तो एक्स 4 कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्स 2 का डबल एक्स 4 है, तो यहाँ पे एक्स 4 हो जाएगी। तो वाई का डबल कितना हो जाएगा, वाई 4 हो जाएगा, सॉरी वाई 2 हो जाएगा, पावर 2, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन जब आएगी तो हमने एक्स स्केयर को वाई पुट करना है और एक्स 4 यानी उसके डबल को वाई स्केयर पुट करना है, और फिर आगे इक्वेशन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड फॉर्म होगी जिसमें एक यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, कोई यहाँ पे होगा फैक्टर होगा जो भी, उसका रेसिप्रोकल आगे मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और यहाँ पे बी जो है वही सेम चीज़ यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ रही होगी, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में हम इस तरह भी कह सकते हैं, यहाँ पे पी एक्स ओवर 1 होगा तो इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर पी एक्स होगा, ठीक है। ये यहाँ इसका उलट, ठीक है, तो ये यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखें सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसेबल फॉर्म बनती है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैंने आपको बताया था कैसे, सबसे पहले ये यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, मैंने क्या कहा था, इसको पुट कर लेना है कि इसमें इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेना है, वाई, और एक्स 4 को क्या पुट कर लेना है, जी मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। ये कैसे वाई का स्केल है, यहाँ पे आप एक स्टेप दरम्यान वर्क कर सकते हैं, इन दोनों का होल स्केल ले रहे हैं, इसका भी होल स्केल ले रहे हैं और इसका भी ले रहे हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्केल हो जाएगा, वो स्टेप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये दोनों चीज़ें पुट, ये दोनों चीज़ें किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ठीक है। 1 में पुट करेंगे, देख लें अब 2 आ गया, ठीक है, एक्स के एक्स 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस 11 इसी तरह आ गया, इस एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी, अब ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, तो अब आपके पास आपकी मर्जी है कौन सा मेथड मर्जी लगा के आप सॉल्व करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैं तय करूंगा कि जो है वो क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से भी एक दो क्वेश्चन करूँ और एक दो क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करूँ। तो फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। सो आप देखिएगा बच्चों, आप देखें फैक्टराइजेशन के करने के लिए आप सबसे पहले इन दो नंबर्स को, ये जहाँ पर मैंने ब्लू लाइन लगाई है, उन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 5 × 2 = 10, आपके पास 10 वाई स्केयर, यहाँ पर मेरा आप छोटा सा लिख दे रहा हूँ, 10 वाई स्केयर आ गया, ठीक है। अब आपने दरमियान वाले नंबर को इस तरह ब्रेक करना है कि इनको प्लस या माइनस करें तो 11 आए, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 10 वाई स्केयर आए। तो आप देख सकते हैं बड़ी इजी सी, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ माइनस 10 वाई, ये मैं सारा जो है ना ये फैक्टराइजेशन फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। आप ये देखें इन दो नंबर्स को सॉल्व करें तो माइनस 11 वाई आ रहा है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 वाई स्केयर भी आता है। तो ये इतना सा स्टेप्स हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं समझ तो
तो आप एक्सरसाइज वन के सारे लेक्चर देखें, उसमें डिटेल से कंप्लीट फैक्टराइजेशन करनी मैंने सिखाई हुई है। इन दो नंबर्स में जो नंबर डिवाइड कर रहा है टू और टेन को, वो टू है, और वाई की दोनों में जो वाई की जो छोटी पावर है वो आपने कामन लेनी है। आप कामन कैसे लेंगे, ये टू देखें, अब आपने इस पूरे नंबर को टू वाई से डिवाइड करना है, टू तो टू से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर है, एक वाई से कैंसिल हो गया तो एक वाई यहाँ से ऊपर बच गया। सेम ये टेन वाई भी इस टू वाई से डिवाइड करना है, जब टेन को टू से डिवाइड करेंगे तो फाइव आएगा, वाई वाई से डिवाइड हो गए तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह इधर से आप जब दो नंबरों में कोई नंबर कामन नहीं नज़र आ रहा तो आप सिंपली इसमें से वन कामन ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस अब आए तो जारी बात है वो बताएं अंदर साइन चेंज हो जाएगा, या प्लस फाइव था तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस फाइव हो गया, ठीक है। आप ये सेम ब्रैकेट में देखें, सेम नंबर है, अगेन ये कामन होंगे वाई माइनस फाइव एंड टू वाई माइनस वन इज इक्वल यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने दोनों नंबरों और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इनको अलग अलग जीरो पे इक्वल पुट करना है, फाइव माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल जीरो या टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बच्चों आपने क्या करना है, जब यहाँ आ जाएंगे तो अगेन पुट जो है ना वो जो y की वैल्यू है ना वो सबसे पहले ऊपर आपने वो यहाँ से देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू क्या है, देखिए y की वैल्यू x के रही, यहाँ से ये वाली वैल्यू दोबारा इन दो जगह पे पुट कर देनी है, इधर भी और इधर भी। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा और आप इसी तरह लिखें और टू एक्स केयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आगे हम यहाँ ऊपर सवाल कर लेते हैं, देखिए एक्स केयर माइनस फाइव इज इक्वल जीरो था तो माइनस फाइव राइट साइड पे जाके हो गया प्लस फाइव, ठीक है, और इसी तरह माइनस वन राइट साइड पे जाके हो गया प्लस वन। यहाँ से आपको जारी बात है स्केयर ख़त्म करना है तो बहुत साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एज इट इज पहले आप टू को जाकर डिवाइड कर लें, उसके बाद स्केयर खत्म स्केयर करने के लिए स्केयर रूट ले रही है। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ से एक्स आ गया, फाइव का स्केयर रूट सॉल्व नहीं होता तो बस इसको सिर्फ आप प्लस माइनस लिख के रूट फाइव लिख लेंगे, और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इसका स्केयर रूट आप ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे बहुत साइड पर स्केयर रूट ले लिया, क्यों लिया कि ये स्केयर रूट कैंसिल करना था, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लिया, यहाँ पे आ गया एक्स, आप प्लस माइनस आएगा, वन का स्केयर रूट आपको पता है बच्चों वन होता है, और टू का स्केयर रूट नहीं सॉल्व हो सकता तो इसके ऊपर रूट टू ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। लास्ट पे आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट फाइव और प्लस माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू। अपने बच्चों ये फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस जो है ना ये लेक्चर वन से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन सेम है, इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, मतलब ये दोनों टर्म इधर लें, ये माइनस नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है, इधर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर आके प्लस फोर हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सेम स्टेप अब मैं इसमें डिटेल से स्टेप कर लेता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे आप एक्स के को लेट कर लेंगे वाई के इक्वल, ठीक है, हमने एक्स फोर बनाना है तो बहुत साइड पे क्या कर देते हैं, इसको फोर बनाने के लिए इसका स्केल लेना पड़ेगा तो यहाँ पे इसका भी स्केल ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स फोर और यहाँ पे हो गया वाई स्केल, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं और ये दो जो वैल्यूज हैं ये वाली और ये वाली किस में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन में, ठीक है। फिर क्या करना है जी, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे टू आ गया, एक्स फोर है, एक्स फोर की जगह पे आप देख लेंगे क्या आता है, वाई स्केयर लिख सकते हैं, फिर माइनस नाइन है, ये एक्स स्केयर है, इस एक्स स्केयर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, और प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एज इट इज। अब आप इसको किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्केयर के साथ जो नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, ए, और जो वाई के साथ है बी,
और जो बगैर वेरिएबल वाला है उसे सी। अब बच्चे सिर्फ याद ये रखना है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन वाई वेरिएबल में, ठीक है, जब आप फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वाई इज इक्वल टू करके लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करें ए बी सी की, माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 9, फिर प्लस माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 9, ऊपर स्केयर आ गया इसका माइनस 4, ए की कितनी है 2 और सी की कितनी है 4 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 2 है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू आ गया जी आपके पास माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा जी, 9 का स्केयर कितना होता है जी 81, तो माइनस का स्केयर जब लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा प्लस 81, माइनस 4 टू ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32 डिवाइड बाय 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 प्लस माइनस इसमें से 81 में से 32 चला गया, 11 में 2 चला गया 9 और 7 में से 3 चला गया 4, 49 आ गया, ठीक है जी। आप इसे एक दफा प्लस 49 का स्क्वायर लेंगे तो 7 आ जाएगा तो 4 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसे प्लस 7 के साथ, एक दफ़ा इसे माइनस 7 के साथ आपने लिख लेना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा जी 2 डिवाइड बाय 4, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ से अब वाई की वैल्यू क्या होगी जी 4 एंड 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, या वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, दोनों वैल्यू। अब अगेन यहाँ पे आप पुट कर देंगे वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कहाँ से पुट होगी, सेम यहाँ पे आप जाके देखेंगे वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्केयर, तो यहाँ पे वाई की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो यहाँ पे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 आ गया, या एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे आके सॉल्व कर लेते हैं, स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लिया और लिख के सॉरी यहाँ पे फोर के ऊपर भी स्केयर रूट लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट साइड पे दूसरी टर्म के साथ भी ये करेंगे, एक्स स्केयर के ऊपर स्केयर रूट लिख लिया और इक्वल डाल के 1/2 के ऊपर भी स्केयर रूट लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 का रूट होता है 2, यहाँ से भी ये और ये कैंसिल हो गई जी, एक्स की वैल्यू आ गई लेग करते हैं जी 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट नीचे नहीं होता, तो इसके ऊपर खाली हम ऐसे ही लिख लेंगे रूट 2। इसको सॉल्यूशन साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये 1/2 और 1/4, इसमें बड़ी टर्म कौन सी है, 1/2 बड़ा होता है या 1/4 बड़ा होता है, तो जो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो क्या है कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए 1/2 या 1/4, तो ध्यान रखिएगा ये 1/2 जो है ना ये बड़ा नंबर है, ठीक है, ये क्या है बड़ा नंबर है, ठीक है। 1/2 पावर इसको 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.50 आती है, ठीक है। ये जो 1/4 है ये छोटा नंबर है, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है, 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, तो इसका मतलब है कि आपको ये ध्यान में रखना है, ये ना हो कि आप 1/2 को और 1/4 जो है ना वो यहाँ पे मिक्सअप कर लें।
तो सबसे पहले तो आप इनको दोनों टर्म नंबरों को राइट साइड पे ले गए, ठीक है। सबसे पहले 1/2 एज इट इज, तो ये माइनस आ जाएगा इस तरफ आगे, 1/4 है, प्लस टू माइनस टू होते इधर आके प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये हाफ है, ये इसका डबल है, तो लेट कर लेते थे हाफ वाले को, याद है ना। तो यहाँ पे हम एक्स की पावर 1/4 को लेट करेंगे वाई क्यूब, फिर आप स्केलिंग करेंगे बोथ साइड के ऊपर, देख लें 1/4 है ऊपर स्केयर है, इस तरफ भी आपका स्केयर हो जाएगा। अब बच्चे देखिएगा ये 2 इस 4 से कैंसिल होकर के यहाँ पे क्या बना देगा, 2 बना देगा। यहाँ से जो चीज़ बच जाती है वो क्या बच जाती है, एक्स की पावर 1/2 और यहाँ से वाई स्केयर। आप देख लीजिए कि ये आप इक्वेशन 1 उसी तरह लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है किस में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट बोथ वैल्यूज किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन 1 में। तो पुट करें सबसे पहले 5 आ गया, देख लें ये x पर 1/2 है, इसकी जगह पे क्या करेंगे y स्केयर, ठीक है। माइनस 7 x पर 1/4 है, क्या पुट करेंगे y, और फिर आगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। बच्चे आप इस बार को मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ, ये देखें दो नंबर को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 5 × 2 = 10 आ रहा है, ठीक है। 10 मैं इसको थोड़ा आपको, चलो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे, 10 के फैक्टर क्या क्या मान सकते हैं, देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आ सकता है 1 को 10 से, ठीक है। फिर 2 को 5 से, ये भी 10 बनता है, 3 को नहीं, 4 नहीं, मल्टीप्लाई करने से 10 नहीं बनता, 5 ये 5 यहाँ पे यूज़ हो रही है, कैसे मतलब दो ही ये पॉसिबिलिटी हैं। तो अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो माइनस है ना ये दरमियान में, ये बड़ी टर्म के साथ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों के साथ लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे यहाँ उसके बाद ये साइन आपने इस नंबर को लेके देखना है, 10 के साथ ये प्लस, तो प्लस कब आएगा, माइनस को किसके साथ कर रहे हैं तो प्लस आता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस दोनों से लगा लेते हैं, आप देखते हैं कि सूरत हाल ये साइन चेक करने के बाद दोबारा देखते हैं, ये इनसे क्या बनता है माइनस 11, इनसे क्या बनता है माइनस 7, माइनस माइनस प्लस और 5 × 2 = 7, इसका मतलब है ये वाली चीज़ तो ठीक है, ये वाला फैक्टर हमारे काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 5y², तो मर्जी है आपकी, माइनस 2 पहले लिखें या माइनस 5 पहले लिखें, मैं माइनस 5 ही पहले लिख रहा हूँ और साथ 5 लगा लेंगे, ठीक है, y लगा लेंगे। फिर दूसरा कौन सा मिड टर्म को ब्रेक करके दूसरा कौन सा टर्म आइए 2y, यहाँ से देख ले माइनस 2y और प्लस 2 = 0, सेम आगे आप अपने आप सिर्फ कामन लेने हैं, यहाँ से आपका 5y कामन है, यहाँ पे y माइनस 5 यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया माइनस 2 कामन है, तो यहाँ से सॉरी y माइनस 5 नहीं आता, y माइनस यहाँ पे 1 आता है, 5y बाहर चला गया था, यहाँ से भी y माइनस 1 आता है, ठीक है। फिर आप देखें दोनों फैक्टर सेम आ चुके हैं, तो इनको अगेन कामन लेंगे, 5 माइनस एक ब्रैकेट में आ गया ये 5y और मैं यहाँ से माइनस 2 बच गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों को सेपरेट करके हम यहाँ से y माइनस 1 को भी इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और 5 माइनस 2 को भी इज इक्वल 0 पुट कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है आप देखें, अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लें, y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/4 है, यहाँ पे x की पावर 1/4 पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, x की पावर 1/4 इज इक्वल और सॉरी माइनस 1 इज इक्वल 0 और यहाँ पे क्या है, और 5 के ऊपर x की पावर 1/4 ये y की वैल्यू पुट की, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों यहाँ से भी और यहाँ से भी x पर 1/4 को सेपरेट कर लें, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x पर 1/4 हो गया माइनस 1 राइट साइड पे जाके प्लस 1। अब बेटा यहाँ से आपने पावर में से 1/4 खत्म करना, हमें आंसर x का चाहिए, तो कैसे किया जा सकता है सोचें, चलो देखें यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड पे पावर 4 ले लेता हूँ तो होगा क्या, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, x की पावर को
वन आ जाएगी, यानी सिंपल एक्स बाद जाएगा। ठीक है, आप ये स्टेप ध्यान में रखना है कैसे सॉल्व किया, वन पर फोर वन ही होती है। ठीक है, यही स्टेप हमने राइट साइड पे भी करना है। सबसे पहला स्टेप तो ये करना है, एक्स पर वन पर फोर है, एज इट इज रहे माइनस टू को राइट साइड पे ले जाए प्लस टू हो गया, फिर ये फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप राइट साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी आपके पास वन बाई फोर ख़त्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड के ऊपर आपको पावर फोर लेनी पड़ेगी। ये टर्म ऐसे लिखी और पावर फोर ले ली और राइट साइड पर पावर फोर ले ली। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपके पास आ गया ये दोनों नंबर तो फोर और फोर तो कैंसिल हो गए, यहाँ से बच गया जी आपके पास एक्स और यहाँ से टू की पावर फोर। टू की पावर फोर का मतलब है टू को फोर से नहीं मल्टीप्लाई करना। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नेक्स्ट आपने ये जहन में रखना है, टू पावर फोर का मतलब है टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, आमतौर टू फोर का एट लिख लेते हैं, इधर मिस्टेक नहीं करनी है आपने। और फाइव के ऊपर पावर फोर है तो फाइव को भी आपने फोर टाइम्स लिख लेना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये आ जाएगा ऊपर से 16, नीचे से आ जाएगा 625 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 एंड 16 डिवाइड बाय 625। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे जी इसके बाद पार्ट फोर, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखें अब इन दोनों नंबरों में से आप देखने बड़ा कौन सा है, आप देखें नीचे तो सेम है, यहाँ पे भी थ्री है यहाँ पे भी थ्री है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा बड़ा नंबर कौन सा है। ऊपर वालों को देख लें, यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है, इसका मतलब है ये बड़ा नंबर है ये छोटे पावर है, वन मतलब ये टू बाई थ्री बड़ा है और वन बाई थ्री छोटा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बच्चों इसको राइट साइड पर ले जाना है, लेफ्ट साइड पर ले जाना है, इसको एज इट इज लिखें टू बाई थ्री। ठीक है, अब इसको पहले लिख लेते हैं, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस 54 पर पहले इस तरफ है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो बच जाएगा। अब इस टर्म को आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे वाई के और ये वाई स्केयर हो जाएगी। हम थोड़ा सा शार्ट करते हैं जी आप इस क्वेश्चन को, इसको आप एक्स पावर वन बाय थ्री को वाई लिखेंगे तो स्केयर करने से क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा एक्स पावर टू बाय थ्री और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये बहुत वैल्यूज पुट कर देनी है इस इक्वेशन वन में, सेम स्टेप है, कोई नया स्टेप नहीं हम कर रहे। ठीक है ना, बहुत वैल्यूज पुट कर देनी है किसमें, इक्वेशन वन में। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 वाई प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम दोबारा इसको फैक्टराइजेशन सही करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है तो 54 है, प्लस माइनस करना है तो माइनस 15 है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, ये आपके पास बचेगा जी माइनस 9y एंड माइनस 6y। ठीक है, ये मैंने फैक्टर थोड़ा सा स्पीड में, आपने उसी तरह करके देख लेना है रफ पार्क में, तो देख लें अब इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस 15 भी बनता है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करें 54y स्क्वायर भी बन जाता है। तो आप फर्स्ट टोटल टर्म में से y आपके पास कॉमन है, y माइनस 9, यहाँ से माइनस 6 कॉमन है, तो यहाँ से भी y माइनस 9 ही आपके पास बच जाता है। कैसे बचता है इसको हम डिटेल से काट चुके हैं, यहाँ से y माइनस 9 सेम नंबर है, इसको आप कॉमन ले लें एंड y माइनस 6 को भी आप लिख लें इज इक्वल टू जीरो। इस डिटेल इसलिए नहीं बता रहा ये सेम स्टेप वाइज ही हो रहे हैं, तो इसलिए आप इसको देखते रहिए। y माइनस 9 को इज इक्वल टू जीरो पुट करें और y माइनस 6 को भी इज इक्वल टू जीरो पुट करें, यहाँ पे y की वैल्यू अगेन पुट कर लें कितनी है, देख लें y की वैल्यू, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं डायरेक्ट पुट करूँगा, y की वैल्यू है जी x डिवाइड बाय और x पावर 1 डिवाइड बाय 3, माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1 बाय 3 है, माइनस 9 है तो राइट साइड पर हो गया प्लस 9। अब आपने पावर 1 बाय 3 ख़त्म करनी है तो अब आपने क्या करना है, ये देखें नीचे 3 है, दोनों साइडों पे पावर 3 ले लेनी है। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स आ जाएगा और यहाँ पे 9 पावर 3 कितना होता है जी 81,
को 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 वन ज़ा 9, 9 एट ज़ा 72, यहाँ पे इसका आ जाएगा 72 और 9, 729, 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी सिंप्लीफाई करें, वाई की वैल्यू कितनी हमने पुट की है, गेन 1/3 पावर में लिख लेंगे, -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में -6 को राइट साइड पे ले जाए, फिर आपने क्या करना है, पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए पावर 3 बोथ साइड्स पे लेनी है, ठीक है। ये कैंसिल, 6 को 3 टाइम करेंगे तो ये 216 होगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में आप इसको आप लिख लें, ये हो जाता है 729 एंड 216। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसको रीअरेंज कर लें, 3x पावर -2 है, आप इस लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेफ्ट पे ले गए, 8 के पावर एक्स पावर -1 हो जाएगा, और ये माइनस स्टार्ट इसलिए स्टार्ट में इसलिए गया कि यहाँ से शिफ्ट हो गया, जब यहाँ पे आया तो साइन चेंज हो गया, +5 इज इक्वल टू 0, 5 पहले ही इस तरफ है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब सेम इसी तरह मिड वाली टर्म को आप लेट कर लें, इसके वाई के इक्वल स्केयर करें बोथ साइड पे, -2 हो जाएगा और वाई स्केयर, -2 कैसे हुआ, ये नंबर सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट दरमियान में आ गया तो आम मल्टीप्लीकेशन, -+-, 2 1 2, ये बोथ वैल्यू जो है वो आप इधर पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो सेम चलेंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, जब 1 में पुट करेंगे 3 एज इट इज, देखें x माइनस 2 लिखा हुआ है, इस x माइनस 2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, y स्केयर, फिर -8 लिखा और x माइनस 1 की जगह पे ये y लिख दिया, x पर -1 किसके इक्वल है, y के इक्वल, 8y हो गया, ठीक है। इसी तरह +5 इज इक्वल टू 0, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म से कर लेते हैं, फार्मूले से, a की वैल्यू कितनी आ गई जी 3, b की -8, c की 5, फार्मूला लिख लें, यहाँ पे आप फार्मूला किस में, y वेरिएबल में आएगा, x में नहीं लिख लेना, ठीक है। -b +-, बी स्केयर -4, ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, माइनस ये आ गया और b की जगह पे क्या लिख लेंगे, -8, ठीक, +-, बी स्केयर यानी -8 का स्केयर, -4, a की वैल्यू देखें 3 है, यहाँ पे 3 पुट किया, c की वैल्यू देखें कितनी है, 5 है, डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल, ये -8 एंड -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट +- ही आएगा, और इस स्केयर रूट के अंदर -8 का स्केयर 64 होता है, आपको मैंने पहले बता दिया, माइनस जब लेंगे स्केयर में लेंगे जब माइनस का, तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है, आगे माइनस है तो ये मल्टीप्लाई हो गए दोनों नंबर, 5 3 15 15 4 60 हो गया, ठीक है, 60 आ गया, और डिवाइड बाय नीचे 3 2 6, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं, 64 - 60 कितना हो गया, 4/6, आपको पता है 64 का रूट होता है, 4 का रूट होता है जी 2, और 6 इसी तरह, फिर आपको नेक्स्ट भी पता है, एक दफ़ा आप दरमियान में क्या डाल देंगे, +2, और एक दफ़ा आप इसके दरमियान में माइनस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 10/6, ये हो गया जी 6/6, इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 1 6, वाई की दो वैल्यू तो आ गई, एक वैल्यू वाई की आ गई है 5/2, और एक वैल्यू आ गई वाई इज इक्वल टू
वन, फिर वैल्यू पुट करेंगे अगेन, यहाँ पे पुट वैल्यू किसकी अगेन पुट करेंगे, वाई की, वाई आपको बच्चे पता है एक्स पावर माइनस वन है, यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स पावर माइनस वन पुट कर ली, यहाँ पे फाइव वाई बाय टू है, और कॉमा यहाँ पे भी वाई की वैल्यू क्या पुट कर ली, एक्स पावर माइनस वन पुट कर ली और वन है। अब यहाँ पे आगे आपको एक स्टेप देखना है, ये देखना है अगर एक्स पावर माइनस वन है तो इसको हम अगर पॉजिटिव करना चाहें तो आप देखें जब नीचे टर्म में कुछ नहीं होता तो वन तो है ना, हम इस एक्स को नीचे ले जाते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में ये वन आपको ऊपर आ गया, एक्स पावर नीचे जाके हो जाएगी पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स पावर वन, ये जहन में रखिएगा, ये एक स्टेप आपने करना है फाइव बाय टू एज इट इज। सेम यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए पावर को क्या करेंगे, एक्स को नीचे ले जाएंगे, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर क्या बजेगा आपके पास वन बजेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है स्टेप वो ये करना है कि ये जो वन ओवर एक्स है इसको रेसिप्रोकल करें, मतलब आप यहाँ से क्या करेंगे इसको शिफ्ट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे भी ऑटोमेटिकली टू ऊपर और फाइव नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई वन आ गया, यहाँ पे आ गया जी टू डिवाइड बाई फाइव, कॉमन डाल के ये भी इसी तरह एक्स डिवाइड बाई वन आ गया और वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन डिवाइड बाई वन एज ये लिखा जा सकता था। यहाँ से आप नीचे से आप वन ख़त्म करें, टू डिवाइड बाई फाइव आ गया और एक्स इज इक्वल वन आ गया, इसे सोल्यूशन साइड में भी आप लिख सकते हैं टू डिवाइड बाई फाइव एंड वन। तो बच्चों यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर फाइव तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी जो है वो आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक हम इसको जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं।